गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग LMU पार्ट पोस्ट केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट के लिए 20 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट्स BF3 इज लेविस एसिड एंड NH3 इज लेविस बेस, व्हाई? एक्सप्लेन। ये कंपलसरी क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है। ये 2018 में आया है, मे बी 2021 में आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग गीस मान के रखिए। तो ये क्या होता है लेविस एसिड? तो पहले हमें क्या जानना है कि लेविस एसिड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम में क्या लिखिएगा, ये BF3 इज लेविस एसिड बिकॉज वी नो दैट लेविस एसिड आर क्या? लेविस एसिड जो होता है सो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल एंड लोन पेयर एसेप्टर। जो लोन पेयर को एसेप्ट करता हो वो लेविस एसिड कहलाता है। और क्या? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, ठीक है। तो ये हुआ, हम BF3 अगर बनाए और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हम BF3 अगर बनाए, BF3 का स्ट्रक्चर तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि BF3 के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे? तो BF का बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, और फ्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोले तो लेस देन ऑक्टेट, जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो ये क्या कहलाएगा, लेविस एसिड, ठीक है। तो हम ये देख लिए। अब हम बात करते हैं अमोनिया की, दैट इज लेविस बेस। अगर इन केस ऑफ, यहाँ से लिखेंगे, इन केस ऑफ अमोनिया दैट इज NH3 इट इज लेविस बेस बिकॉज वी नो दैट फिर से वही लेविस बेस आर क्या? लेविस बेस आर, यहाँ हम लोग देखिए इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बोलो तो न्यूक्लियस लवर, ठीक है। और ये क्या होता है, लोन पेयर डोनर। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ हम NH3 बनाते हैं, ये क्या है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर अणु, अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 तो ये इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में और 2 फ्री बच गया, ये क्या है, लोन पेयर। और ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करता है। अब हम देखेंगे ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ BF3 बना लेते हैं, फाइनली BF3 और ये अमोनिया, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। अब ये अगर आप यहाँ से लेके फाइनल यहाँ तक लिख दिए, देन यू फाइनली गेट द 5 out of 5 मार्क्स इन कंपल्सरी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल और ढेर सारी ऐसी गेस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक्स।